हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतिभा। माय एक्सपीरियंस माय रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है आलू और चीज़ वाला सैंडविच, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आइए देख लेते हैं इस सैंडविच को मैंने किस तरह से तैयार किया है। सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू का मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। तो तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है, मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। अब हम डाल देंगे इसमें जीरा। थोड़ा सा जीरा डालेंगे, अदरक, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज का प्याज जिसको मैंने बारीक काट लिया है। इसको हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। प्याज को मैंने 1 मिनट तक पका लिया है। अब हम डाल देंगे इसमें उबले हुए आलू। ये मैंने 5 बड़े साइज के उबले हुए आलू लिए हैं, इसको मैं मैश करके डाल दूंगी। आलू को मैंने मैश करके कढ़ाई में डाल दिया है। इसमें अब डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। मैं यहाँ पर 1 छोटा चम्मच नमक ले रही हूँ, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि यहाँ पर मैंने हरी मिर्च भी डाली है इसलिए मैं लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा ही डालूँगी। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी बड़ी सौंफ। आधा छोटा चम्मच भुना हुआ धनिया जीरा पाउडर। इसको डालने से आलू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करके हम आलू का मसाला तैयार कर लेंगे। आलू को मैंने 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा अमचूर पाउडर। आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर मिला दूंगी इसमें मैं, और आखिरी में डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा सैंडविच के लिए आलू का मसाला तैयार हो जाएगा। आलू का मसाला एकदम तैयार हो चुका है, तो इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 ब्रेड की स्लाइस ली है, जिसके किनारों को मैंने काट कर अलग कर दिया है। और यह है हमारा मसाला जो अभी हमने तैयार किया है। तो मैं 1 स्लाइस में ये मसाला लगाऊंगी और दूसरी स्लाइस में ये चीज़ स्प्रेड लगाऊंगी। हम आलू के मसाला को बहुत अच्छे से अपनी ब्रेड में फैलाते हुए लगा लेंगे। ये देखिए आलू हमने लगा लिया। अब दूसरी स्लाइस में हम लगाएंगे चीज़ स्प्रेड। ये मैंने दूसरी स्लाइस में बहुत अच्छे से चीज़ स्प्रेड को लगा लिया है। तो अब हम इसको इस तरह से रख देंगे और अपना सैंडविच सेक कर तैयार कर लेंगे। तो चलिए सैंडविच को सेक लेते हैं। तवे में मैंने 1 छोटा चम्मच शुद्ध घी डाल दिया है। आप लोग चाहें तो बटर से भी सैंडविच सेक सकते हैं। तो मैंने तवे को गर्म कर लिया है। अब हम उस साइड से रखेंगे जिस साइड हमने आलू लगाया है। तो इसको हम रख देते हैं और लो फ्लेम पर अपने सैंडविच को सेक लेते हैं। पहले हम आलू वाले साइड से सेकेंगे, बाद में हम चीज़ वाले साइड से सेकेंगे। सैंडविच को थोड़ा प्रेस करते हुए ही हमें सेकना है। एक तरफ से हमारा सैंडविच सिक गया था तो मैंने उसको पलटा दिया है। अभी दूसरी साइड से सेक लेते हैं।
थोड़ा सा प्रेस करते हुए सेकेंगे इसको। दोनों तरफ से जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम सैंडविच को निकाल लेंगे। उलटते पलटते हम इसको क्रिस्प होने तक सेक लेंगे। सैंडविच में दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, तो अब हम इसको काट लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी सैंडविच बनकर तैयार हो चुका है और इसका चीज़ बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। सैंडविच हमारा तैयार है, इसको टोमेटो सॉस के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।